हाय दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हीट लोड कैलकुलेशन। तो हीट लोड कैलकुलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचवीएससी के अंदर। तो इसके अंदर हीट लोड कैलकुलेशन जो है हम लोग को दो तरह के हीट होते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल हीट और एक इंटरनल हीट। तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने में जो है एक एक्सटर्नल हीट लोड है और एक इंटरनल हीट लोड है। तो एक्सटर्नल हीट लोड में क्या क्या चीज़ का हमको फाइंड आउट करना है और इंटरनल हीट लोड में हमको क्या क्या चीज़ का हीट फाइंड आउट करना है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हम एक्सटर्नल हीट लोड में वॉल, ठीक है, सबसे पहला हमारा वॉल और सेकेंड मेरा रूफ, फिर ग्लास, पार्टीशन, इन्फिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन। और हम जो है इंटरनल में अगर हीट देखते हैं तो वो क्या है, पीपुल, लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल। तो ये जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको जो है हम लोग छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वॉल और रूफ का जो है हम पार्ट वन में सीखेंगे और ग्लास वेंटिलेशन का जो है पार्ट टू में सीखेंगे, और यहाँ पर जो है इन्फिल्ट्रेशन और ये पार्ट थर्ड में सीखेंगे, और ये जो है इन्फिल्ट्रेशन एंड वेंटिलेशन फोर्थ में सीखेंगे। इसलिए कि यहाँ पर जो है वेंटिलेशन जो है हम लोगों का वो निकालने के लिए हम लोगों को पीपुल लोड और लाइटिंग लोड और इलेक्ट्रिकल लोड मालूम होना चाहिए, जिसके लिए हमको ये पहले सीखना होगा, फिर बाद में हम लोग वेंटिलेशन के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला आज का मेरा जो फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए जो है वॉल और रूफ। तो वॉल हीट लोड किस तरह निकालते हैं और रूफ हीट लोड किस तरह निकालते हैं, आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग वॉल हीट लोड के बारे में। इसको जो है वॉल का जो है हम लोग को हीट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, या किसी भी चीज का हीट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो क्यू इक्वल टू यू ए डेल्टा टी है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है हमको हीट निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है ये यू क्या है, ए क्या है और डेल्टा टी क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो है क्यू इक्वल टू होता है हमारा हीट, हीट फ्लो किस चीज में होता है, बी टी यू बाई आवर में, ठीक है। ये हो गया मेरा Q इक्वल टू हीट फ्लो, और जो है A इक्वल टू होता है हमारा एरिया। एरिया एरिया किस चीज में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फीट स्क्वायर में, ठीक है। एरिया हम लोग फीट स्क्वायर में, Q बी टी यू पर आवर में, और यहाँ पर क्या है डेल्टा T। डेल्टा T कहने का मतलब है आउटसाइड टेम्परेचर और इनसाइड टेम्परेचर को जो है हम लोग घटाते हैं या माइनस करते हैं, तो वो मेरा डेल्टा T निकल जाता है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर डेल्टा T इक्वल टू टेम्परेचर आउटसाइड माइनस टेम्परेचर इनसाइड, ठीक है। यानी कहने का टी आउट माइनस टी इनसाइड इक्वल टू मेरा डेल्टा टी हो गया। तो यहां पर जो है हमने डेल्टा टी के बारे में जान लिया, क्यू के बारे में जान लिया, ए के बारे में जान लिया, अब जो है यू के बारे में देख लेते हैं। तो यू क्या होता है, ओवरऑल यू इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ठीक है। ये जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट होता है। तो इसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, जो क्या है फॉर्मूला, यू इक्वल टू वन बाय समेशन आर, ठीक है, समेशन आर। अब आर क्या है, तो हम लोगों ने यू का फॉर्मूला देखा था, क्या था, वन बाय समेशन आर। तो ये आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। मतलब कहने का है कि हमारा जो वॉल है किन किन मटेरियलों से मिलकर बना हुआ है, इसी को हम लोग आर कहते हैं, और जो जो मटेरियल से मिलकर बना होता है उसको हम लोग एड करते हैं तो समेशन आर कहलाता है, और इसी को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग यू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमारे पास वॉल जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दे लेते हैं, टू टाइप्स ऑफ वॉल एरिया, ठीक है। तो दो टाइप का जो है हम लोग का वॉल एरिया होता है। एक पहला क्या होता है, ए जो है ग्रॉस वॉल एरिया। अब ये ग्रॉस वॉल एरिया क्या होता है, इसका जो है हम लोग वॉल
मटेरियल इंक्लूडिंग इन विंडो। ठीक है, वॉल एरिया कहने का मतलब है कि अगर हम जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसमें जो है विंडो हो या मतलब उसमें जो भी चीज लगा हो, विंडो को भी ऐड, सारे को ऐड करके अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो मेरा वो ग्रॉस वॉल एरिया कहलाता है। उसके बाद क्या आता है सेकेंड मेरा, बी नेट वॉल एरिया। ठीक है, नेट वॉल एरिया ये क्या होता है, नेट वॉल एरिया में जो है हम लोग विंडो को वॉल एरिया माइनस विंडो एरिया। ठीक है, इसमें जो है हम लोग आप विंडो को एरिया को हम लोग वॉल के एरिया से माइनस कर देते हैं तो वो हम लोग का नेट वॉल एरिया फाइंड आउट हो जाता है। तो हम लोगों ने वॉल का जो है किस तरह फाइंड आउट करना ये भी सीख लिया और फॉर्मूला भी देख लिया। तो आइए जो है अब हम एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो मान लिया जाए हमारे पास एक यहाँ पर वॉल है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने वॉल बना लिया। ठीक है, ये मेरा जो है एक वॉल है, ये मेरा एक वॉल आ गया। ठीक है, ये जो है एक वॉल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, वॉल के अंदर ये जो है इधर मेरा वो आउटसाइड एरिया हो गया, ये जो है मेरा इनसाइड एरिया हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इस कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई की होगी, ये जो है मेरा वो 10 फीट और ये 15 फीट की होगी। ठीक है, कि यू वैल्यू जो मैंने बोला था उसके लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है वो भी चीज हमको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर जो ये बीच की जो एरिया आई है ये जो है 4 इंचेस की होगी। ठीक है, और इसके ऊपर जो हम लोग सीमेंट प्लास्टर जो है अंदर घर के हाफ इंच का जो है, हाफ इंच का सीमेंट प्लास्टर होगा। ठीक है, सीपी बाहर में भी हाफ इंच का हम लोग सीपी ले लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड में भी। तो ये हमारा जो है टोटल वॉल हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो है फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जाहिर सी बात है सारा चीज तो हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पर जो है क्यू इक्वल टू जो फॉर्मूला है यू ए डेल्टा टी, इस पे जो है हम लोग रख के इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या था फॉर्मूला मेरा, क्यू इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। तो यहाँ पर ए सबसे बड़ी बात, ए एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया जाहिर सी बात है इधर और इधर दोनों कितना है मेरा, 15 × 10 कितना हो जाएगा 150 फीट स्क्वायर। ये हो गया मेरा एरिया फाइंड आउट हो गया। अब डेल्टा टी, डेल्टा टी कहने का मतलब हो गया मेरा कि आप जिस एरिया में होंगे वहां का जो है टेम्परेचर कितना होगा वो। तो यहाँ जिस एरिया पे मैं हूँ यहाँ का जो है 106 है और -76 जो है रूम का टेम्परेचर होता है, ये जो है फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो कितना जाएगा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा जो है डेल्टा टी फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग यू की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, आउटसाइड प्लस हाफ इंचेस का, यहाँ पर क्या है सीपी लगाए हुए हैं तो हाफ इंचेस का सीपी, फिर प्लस 4 इंचेस का जो है हमारे पास 4 इंचेस का ब्रिक्स है, इसके बाद फिर अंदर में क्या है हाफ इंचेस का सीपी है, हाफ इंचेस का सीपी। ठीक है, इसके बाद क्या है इनसाइड एरिया, इनसाइड एरिया यही है फॉर्मूला मेरा यू निकालने का। तो अब जो है हम ये सब मटेरियल का जो है वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा यू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें जो है आउटसाइड जो है या इनसाइड आउटसाइड दोनों जो है हम लोग 0.25 ले लेते हैं। ठीक है, 0.25 ले लेते हैं। इसके बाद हाफ इंचेस का जो है मेरा हाफ इंचेस का सीपी है, सीपी कितना है हमारा 0.12। ये कैसे फाइंड आउट, सीमेंट से जो है सीमेंट के जो प्लास्टर से कितना हीट आएगा ये जो है फाइंड आउट एसरे ने हमें दे रखा है, यहीं से जो है हम लोग 0.12 ले लेते हैं। इसके बाद क्या है मेरा 4 इंचेस का 4 × ब्रेक से कितना हीट आता है 0.2 आता है। ठीक है, ये भी जो है एसरे के जरिए हमें मालूम है। आपको जो है अगर ये सब चीज का जो है चार्ट अगर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं कि आखिर ब्रेक्स में या सीपी में या फिर पेंट से कितना हमारे पास हीट आता है, ये सब चीज आप लोग वहां से देख सकते। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, फिर प्लस हाफ इंचेस का क्या है सीपी, यानी कि हाफ इंचेस का 1/2 × 0.12 और फिर इनसाइड का 0.25। तो ये हो गया हमारे पास सारा वैल्यू। अब हम अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो इसका जो है यू वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम ऐड जब करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1.82
आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है, ये हमें मेरा जो है समेशन आर फाइंड आउट हो चुका है, समेशन आर, ठीक है। अब हम लोग यू की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, तो यू निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, 1 बाय समेशन आर। समेशन आर फाइंड आउट हो चुका है तो यू वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है, कैसे निकलेगा आइए हम वो देख लेते हैं। तो यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, 1 बाय समेशन आर, आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कितना किया था 1.82। तो अब हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यू की वैल्यू 0.549 BTU बाय आवर डिग्री फ़ारेनहाइट फीट, ठीक है। इससे जो है हम लोग यू की वैल्यू को डोनेट करते हैं तो यू की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम लोग के पास क्या है, सारी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, तो हम लोग क्यू इजकल टू यू ए डेल्टा टी पे पुट कर देंगे तो हमारा जो है वॉल का टोटल हीट कैलकुलेट हो जाएगा। यू की वैल्यू कितना आई थी, 0.549 इंटू एरिया हमारा कितना आया था 150, और डेल्टा टी हमारा कितना आया था 30। अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2430, ठीक है, BTU बाय आवर, मतलब वॉल से जो है इतना BTU पर आवर हीट हमारा जो है जनरेट होगा, ठीक है। तो हमने जो है वॉल का देख लिया, अब जो है सेकेंड हम लोग रूफ का देख लेते हैं। तो आइए रूफ के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है रूफ, छोटा सा जो है हम लोग रूफ का फिगर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक रूफ का फिगर ड्रॉ हो चुका है। तो ये जो है हमारा वो आउटसाइड एरिया हो गया और ये इनसाइड एरिया हो गया। तो इसमें भी है सेम, ये यहाँ पर जो है 12 फीट का होगा मेरा और इसकी जो है चौड़ाई वो 8 फीट की होगी, ठीक है, 8 फीट की। और ये जो मोटाई है हमारा ये 4 इंच का, और ऊपर में जो है हम लोग सीमेंट प्लास्टर सीपी इक्वल टू 1 इंच का करते हैं, ठीक है, और फिर नीचे में जो है 1/2 इंच का सीपी करते हैं, मतलब प्लास्टर करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है हमारे जो है रूफ का कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था रूफ का निकालने के लिए, या फिर किसी भी हीट को निकालने के लिए, मेरा फॉर्मूला था क्यू इजकल टू यू ए डेल्टा टी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यू इजकल टू होता है 1 बाय समेशन आर। तो समेशन आर की वैल्यू क्या होगी, समेशन आर इजकल टू आउटसाइड एयर मेरा क्या है आउटसाइड, फिर सीपी कितना है मेरा यहाँ पर 1/2 इंच आउटसाइड का ले रहे हैं तो 1 इंटू सीपी। इसके बाद फिर मेरा क्या हो जाएगा प्लस 4 इंच का हम लोग कंक्रीट ले रहे थे कंक्रीट। इसके बाद क्या है फिर 1/2 इंच का हमारे पास 1/2 इंच का फिर जो है सीपी है प्लास्टर है और उसके बाद इनसाइड एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था आउटसाइड एरिया जो है हम लोग 0.025 ले लेते हैं प्लस 1 इंटू सीपी, यानी कि 1 इंच का हमारे पास सीपी है, सीपी कितना होता है 0.12, फिर प्लस 4 इंच का मेरा कंक्रीट का हम लोग कितना लेते हैं 0.08 लेते हैं, फिर प्लस क्या है मेरा 1/2 इंच का सीपी है, सीपी कितना 0.12, और प्लस इनसाइड एरिया जो है 0.65 रूफ का होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सारा चीज फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ आर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1.4, ठीक है। तो ये 1.4 जो है समेशन ऑफ आर मेरा फाइंड आउट हो चुका है। अब इसको जो हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो किस तरह होगी वो देख लीजिए, 1/1/4 इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास 0.714 BTU बाय आवर डिग्री फ़ारेनहाइट फिट फाइंड आउट हो चुका है। अब U की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, अब हम जो है एरिया निकाल लेंगे उसके बाद डेल्टा टी फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास इसका जो है टोटल रूफ की हीट मालूम चल जाएगी। एरिया कितना था हमारा 8 फीट और 12 फीट, 12 इंटू 8 इसकल टू कितना हो जाएगा 96 फीट स्क्वायर, ये मेरा फीट स्क्वायर में एरिया भी फाइंड आउट हो गया। अब डेल्टा टी इक्वल टू कितना होता है 106 माइनस 76 इक्वल टू 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो है मैंने वॉल में भी निकाला था इसलिए सेम टू सेम यहाँ पर रूफ में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला था यू ए डेल्टा टी, सारा चीज का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इस पर इस फॉर्मूले पे पुट करके इसका जो है हल कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे रूफ से कितना हीट आएगा ये मालूम चल जाएगा। तो यू वैल्यू कितना है था मेरा 0.714 इंटू एरिया कितना है 96 इंटू डेल्टा टी कितना है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट 30। तो इसको जो अब हम
कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, 20,56.232 BTU पर आवर, ठीक है। तो ये जो है हमारा रूफ से इतना हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो हमने रूफ का और वॉल का आज देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ग्लास का और पार्टीशन का देखेंगे, ठीक है, पार्ट टू में देखेंगे। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखे, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।